Hello friends, today we are going to discuss some important image-based question. First one question here, identify the instrument. So, आपको जो instrument दिखाई दे रहा उसको identify करना. Option A आपके पास में episiotomy seizure, option B है mass seizure, option C है mild seizure and option D है bandage seizure. जी हाँ, इसका right answer है क्या है? Episiotomy seizure. What is the means of the episiotomy? ये जो word है, इसका means क्या समझ रहे हो? Otomy word, जहाँ पर भी है, इसका means होता है incision. क्या होता है इसका means? Incision. So definitely episiotomy का means क्या रहेगा? Incision create on the valvular orifice during pertussis. ये भी एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द मींस ऑफ एपिशियोटॉमी. ओटोमी वर्ड जहां पर भी है इसका मींस क्या रहेगा? ये जो ऑटोमी वर्ड है इसका मींस ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा? इनसीजन. जबकि आपसे पूछे स्टॉमी, ये वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मींस क्या रहेगा? ओपनिंग. क्या रहेगा इसका मींस? ओपनिंग. और भी बहुत सारे टर्म्स है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो, व्हाट इज द मींस ऑफ एपिशियोटॉमी. एपिशियोटॉमी का मींस क्या रहेगा? इंसिजन क्रिएट ऑन द वल्वुलर ऑरिफिस या पेरिनियम. कब? ड्यूरिंग पर्टुसिन. तो एपिशियोटॉमी जो सीजर है इसका मेन यूज क्या रहेगा? आर यूज टू इंसिजन. इनसीजन क्रिएट करने में इसका मेन यूज रहेगा. कब? ड्यूरिंग पर्टीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इनसीजन क्रिएट करते हैं वो कहां पर करते हैं? या पेरिनियम और वल्वल ऑरिफिस. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एपिशियोटॉमी. क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपिशियोटॉमी. क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिशियोटॉमी. राइट आंसर है यहाँ पर मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी. राइट आंसर क्या है? मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिशियोटॉमी. सेकेंड वन क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी. जो मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी है उसका भी मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? राइट मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी. सेकंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थर्ड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू एपिशियोटॉमी, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिशियोटॉमी. सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिशियोटॉमी. राइट आंसर है यहाँ पर मीडियन एपिशियोटॉमी. कौन सा है? मीडियन एपिशियोटॉमी. तो ये सारे क्वेश्चन एपिशियोटॉमी सीजर्स के रिगार्डिंग मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं. पहला तो इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है. ये जो इमेज दिखाई दे रही है इस इमेज को क्या बोलेंगे? एपिशियोटॉमी सीजर. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो सीजर है एपिशियोटॉमी सीजर, इस सीजर का मेन जो यूज है वो क्या रहेगा? इनसीजन क्रिएट करने में. कहां पर? वल्वल ऑरिफिस. थर्ड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिशियोटॉमी. राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी. इसका राइट आंसर है राइट मीडियोलेटरल एपिशियोटॉमी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिशियोटॉमी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रहेगा? मीडियन एपिशियोटॉमी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शो बिलो इमेज. ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं इनका यूज क्या है? एक्सेप्ट. कौन सा इसका यूजेज नहीं है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
इन इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तो क्या बोलेंगे इन्हें, दैट इज ऑल्सो ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या बोलेंगे, हैगार डायलेटर। क्या ये हैगार डायलेटर? अब क्वेश्चन ये है, हैगार डायलेटर के यूजेज क्या क्या है? ये यूजुअली कब परफॉर्म करते हैं, और यूजुअली परफॉर्म बिफोर इंसर्शन ऑफ आईयूडी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर्टी इंसर्शन से पहले डायलेटर यूज में लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डायलेटर है उनका मेन जो यूजेज रहेगा वो क्या क्या रहेगा? फर्स्ट वन यूज तो मेजर द लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल, सेकेंड वन यूजेज मेजर द डायरेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, थर्ड वन यूजेज डायलेटिंग द ऑस्टियम यूटेराइन। कभी भी हैगार डायलेटर का यूज क्या नहीं होता है, साइज ऑफ यूट्रस को मेजर नहीं करता है, साइज ऑफ यूट्रस को मेजर नहीं करता। आपसे पूछे व्हाट आर द लेंथ ऑफ द यूट्रस, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, लेंथ ऑफ द यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी है 2.5 LWT, ये याद रखना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस की लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी रहती है, अराउंड द 35 सेंटीमीटर, कितनी हो जाती है 35 सेंटीमीटर। फिलहाल आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनका याद रखना है, ये क्या है, डायलेटर है, मोस्टली कौन से, ये हैगार डायलेटर। ये कब यूज में लेते हैं, बिफोर द इंसर्शन ऑफ आईयूडी, कब यूज में लेते हैं ये, मोस्टली बिफोर द इंसर्शन ऑफ आईयूडी, आईयूडी इंसर्ट करने से पहले यूजुअली परफॉर्म करते हैं। किस पर्पस के लिए, पहला पर्पस है टू मेजर द लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल, सेकंड वन पर्पस है टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, थर्ड वन पर्पस है डायलेटिंग द ऑस्टियम यूटेराइन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये विच इज इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। पहला क्वेश्चन तो यही, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का नाम है बाईवाल्व कस्को सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बाईवाल्व कस्को सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। हमारा क्वेश्चन ये है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, जो सेल्फ रिटेनिंग जो स्पेकुलम है, कस्को जो सेल्फ रिटेनिंग, इसके रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज फॉर कॉपर्टी रिमूवल, ट्रू या फॉल्स, ट्रू ये करेक्ट है। ये क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाईवाल्व स्पेकुलम, इट इज आल्सो सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। तो क्या क्या करेक्ट हो गए यहाँ पर, सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम, सेकेंड वन बाईवाल्व स्पेकुलम, एंड थर्ड वन है यूज फॉर कॉपर्टी रिमूवल। कभी भी बाईवाल्व कस्पो सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम का एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइना ये नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर एक्सीलेंट की जगह ये मींस करूं, समझ डिसएडवांटेज बताऊं, तो क्या रहेगा यहाँ पर एक्सीलेंट की जगह, लिमिटेड, क्या रहेगा यहाँ पर, लिमिटेड। तो इसका मेजर जो डिसएडवांटेज है कस्को सेल्फ रिटेनिंग का, मेजर जो डिसएडवांटेज है वो क्या रहेगा, इट इज ए लिमिटेड विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइनल वॉल। क्या डिसएडवांटेज रहेगा इसका,
लिमिटेड विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइनल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो एडवांटेज है वो आपको याद रखना है। जैसे इसके एडवांटेज में बात करूं, नो असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड, नो असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ये क्या होता है? सेल्फ रिटेंड होता है, इसलिए इसमें क्या नीड नहीं होती है? असिस्टेंट की नीड नहीं होती है। नो असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इट इन प्लेस। ये माइनर प्रोसीजर के दौरान यूज में लेते हैं, जैसे कॉपर्टी रिमूवल है, इसके अलावा आईयूडी इंसर्शन है, पैप स्मियर है, उसमें ये मोस्टली यूज में लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन तो यही, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइवॉल्व कस्को सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू कस्को सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम, इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है? तो इसका मेजर डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है, इट इज ए लिमिटेड विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइनल कैनाल। लिमिटेड विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइनल कैनाल, कभी भी एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन नहीं होता है। किसके द्वारा? स्पेकुलम के द्वारा। कौन सा? कस्को सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। अनदर वन इसके एडवांटेज है, इसमें असिस्टेंट की रिक्वायर्ड नहीं रहती है, बिकॉज ये रिटेंड होता है, सेल्फ रिटेनिंग होता है। यूजुअली ये कब यूज में लेते हैं? आईयूडी इंसर्शन, पैप स्मियर, ये माइनर जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उस दौरान सेल्फ रिटेनिंग कस्को वेजाइनल स्पेकुलम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। सो आपके पास में ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा फोर्सेप तो नहीं हो सकता आपके पास में? ऑप्शन ए है एलिस फोर्सेप, ऑप्शन बी है बेबको फोर्सेप, ऑप्शन सी है कॉकर फोर्सेप एंड ऑप्शन डी है एडसन फोर्सेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा फोर्सेप नहीं है? ये एलिस फोर्सेप्स नहीं है, और क्या नहीं है? ये कॉकर फोर्सेप्स नहीं है। इसके अलावा राइट आंसर आपसे पूछे क्या रहेगा यहाँ पर? राइट आंसर बेबको फोर्सेप्स। क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर? बेबको फोर्सेप्स। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है ये इंस्ट्रूमेंट है क्या? पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेबको फोर्सेप्स। क्या ये? बेबको फोर्सेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेबको फोर्सेप्स का जो मेनली जो यूज है वो क्या यूज में लेते हैं? आर यूज फॉर ग्रास्पिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको ग्रास्प करने में यूज में लेते हैं। तो इसका मेन जो यूज रहेगा वो क्या रहेगा? आर यूज फॉर ग्रास्पिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक फेलोपियन ट्यूब। कौन सा प्रोसीजर? फॉर एग्जांपल ट्यूबेक्टोमी। अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उनको ग्रास्प करने में क्या यूज में ले सकते हैं? बेबको फोर्सेप यूज में लेते हैं। याद रखना है इसका टिप ऑलवेज क्या रहेगा? ट्रॉमेटिक या अट्रोमेटिक? ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है? ये एट्रोमेटिक होता है, वाइड होता है, एट्रोमेटिक होता है और राउंडेड होता है। राउंडेड, एट्रोमेटिक एंड वाइडर एज कंपेयर टू एलिस फोर्सेप। याद रखना है बेबको फोर्सेप्स आर स्पेशली यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब एंड एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब। इसका जो टिप होता है वो ऑलवेज क्या होता है? एट्रोमेटिक, राउंड एंड वाइडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एडसन फोर्सेप
आर यूज फॉर सूचरिंग द स्किन, क्या यूज में लेते हैं? एडसन फोर्से आर यूज फॉर सूचरिंग द स्किन, उसमें है ना यूज में लेते हैं, कौन सी फोर्से? एडसन फोर्सेप्स। ठीक है, ग्रास्पिंग, तो ये तो हो गया आपका डेफो फोर्सेप्स। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही, ये जो इमेज दिखाई दे रही है इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है, इमेज कौन सी है? ये बेफको फोर्सेप्स। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मैं मोस्टली जो यूज में लेते हैं वो किस यूज में लेते हैं? ग्रास्पिंग ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सेकंड वन इम्पोर्टेंट, इसका जो टिप रहेगा वो राउंड रहेगा, राउंडेड रहेगा एंड ट्रॉमेटिक रहेगा एंड वाइडर रहेगा एज कंपेयर टू एलिस फोर्सेप्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, एडसन फोर्सेस आर यूज फॉर द ग्रास्पिंग एंड सूचरिंग द स्पिन, स्किन को सूचर करने में हेल्प लेते हैं, कौन सी फोर्सेस से? एडसन फोर्सेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो, आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रहेगा ये? रिग्लेस फोर्सेप्स। कौन सा फोर्सेप्स है ये? रिग्लेस फोर्सेप्स, और इसका मेनली जो यूज में लेते हैं, यूज फॉर आउटलेट्स, आउटलेट्स फोर्सेप्स डिलीवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्सेप्स डिलीवरी का मींस डिलीवरी किसकी सहायता से परफॉर्म कर रहे हैं? डिलीवरी विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स, उनमें से एक है आपको याद रखना रिग्लेस फोर्सेप्स। ठीक है, इसमें दो कर्व होते हैं, एक तो पेल्विक कर्व एंड सिकेप्स, सेकंड वन कौन सा रहेगा? सिपेलिक कर्व। दो कर्व होते हैं, ब्लैड होता है, सैंक होता है, हैंडल होता है, छोटो ये बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो, ये जो इमेज है इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है, और तो इसका नाम क्या रहेगा? रिग्लेस फोर्सेप्स। कौन सी फोर्सेप्स है ये? रिग्लेस फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो बिलो, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करना, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ये भी नहीं है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट नहीं है, नहीं वल्सेलम है, नहीं एनागुलम है, राइट आंसर क्या है? सर्वाइकल बायोप्सी फोर्सेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ये है फॉर साइटोलॉजिकल बायोप्सी, फॉर साइटोलॉजिकल बायोप्सी द सैंपल, द सैंपल शुड बी टेकन, द सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम विच वॉल ऑफ वेजाइना, फ्रॉम विच वॉल ऑफ वेजाइना, ऑप्शन ए है आपके पास में, एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, ऑप्शन बी है पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, ऑप्शन सी है लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना एंड डी ऑप्शन है एनी वॉल। क्वेश्चन ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ये है फॉर साइटोलॉजिकल बायोप्सी, फॉर साइटोलॉजिकल बायोप्सी द सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम विच वॉल ऑफ वेजाइना, साइटोलॉजिकल बायोप्सी के लिए जो सैंपल लेते हैं वो कौन सी वॉल ऑफ वेजाइना से लेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना यहाँ पर साइटोलॉजिकल बायोप्सी के लिए जो सैंपल लेते हैं वो ऑलवेज कौन सी वॉल से लेना है? पोस्टीरियर वॉल। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है, एक तो क्वेश्चन ये है हार्मोनल स्टडी के लिए जो सैंपल लेंगे वो ऑलवेज ऑलवेज कौन सी वॉल से लेंगे? लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, कौन सी वॉल से लेंगे वो ऑलवेज? लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, जबकि
साइटोलॉजिकल बायोप्सी के लिए, जो सैंपल लेंगे वाल में कौन सी वाल से लेना है? पोस्टीरियर वाल ऑफ, वेजाइना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इस इमेज को भी आइडेंटिफाई करना है। ये इमेज क्या है? सर्वाइकल बायोप्सी फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो। आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है कॉल्पोस्कोप, ऑप्शन बी है कल्डोस्कोप, ऑप्शन सी है इनडायरेक्ट ऑप्टेल्मोस्कोप, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन सी और डी ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग। राइट आंसर यहाँ पर क्या है? कॉल्पोस्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्कोप वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है? विजुअलाइजेशन। क्या होता है? विजुअलाइजेशन। और कॉल्पो वर्ड आर यूजुअली फॉर सर्विक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कॉल्पो स्कोप है इसका यूज क्या रहेगा? आर यूज टू आइडेंटिफाई विजुअल विजिबल क्लू सजेस्टिव अब नॉर्मल टिश्यू। कोई भी अब नॉर्मल टिश्यू है उसको विजिबल करने के लिए ये डिवाइस यूज में लेते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? कॉल्पोस्कोप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कॉल्पोस्कोप आर यूजुअली यूज टू आइडेंटिफाई विजिबल क्लूज सजेस्टिव ऑफ अब नॉर्मल टिश्यू। ट्यूमर है, पेपिलोमा ट्यूमर है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अनदर वन है टू मैग्नीफाई, द व्यू ऑफ इसका सर्विक्स वेजाइना एंड वल्वल सरफेस। कोल्पोस्कोप याद रखना है मोस्टली जो यूज में लेंगे आइडेंटिफाई कोई भी एनी अबनॉर्मल टिश्यू है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए विजिबली क्या यूज में लेंगे? कॉल्पोस्कोप। इसमें अच्छा व्यू किस किस का? सर्विक्स वेजाइना एंड वल्वल सरफेस। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? कॉल्पोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? कॉल्पोस्कोप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो। आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है। राइट आंसर ये क्या है? म्यूकस सकर। मींस म्यूकस को एस्पिरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में रहते हैं वो मोस्टली यहाँ पर ये कौन सा है? म्यूकस सकर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है। कौन? ऑप्शन ए है आर्टरी फोर्सेप्स, ऑप्शन बी टावेल क्लिप्स, ऑप्शन सी ओवम फोर्सेप्स एंड ऑप्शन डी कॉकर फोर्सेप्स। तो कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग है? टावेल क्लिप, ओवम फोर्सेप्स एंड डी ऑप्शन कॉकर फोर्सेप्स। राइट आंसर है यहाँ पर आर्टरी फोर्सेप्स। क्या ये? आर्टरी फोर्सेप्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्टरी फोर्सेप्स है इसके इंडिकेशन क्या क्या रहेंगे? पेशेंट है ओटी में आया और बहुत ही ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीड कर रही है वसल्स। तो ब्लीडिंग वसल्स को क्लैम्प करने के लिए जो फोर्सेप यूज में लेते हैं वो मोस्टली कौन सा होता है? आर्टरी फोर्सेप्स। तो पहला यूज तो क्या हो गया इसका? पहला यूज हो गया इसका यूज फॉर क्लैम्पिंग ब्लीडिंग वसल्स ड्यूरिंग हेमरेज। ब्लीडिंग वेसल्स को क्लैम्प करने में भी यूज में लेते हैं किसका? आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन,
ग्रास्पिंग द टिश्यू एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, टिश्यू को ग्रास्प करने में भी ये यूज में लेते हैं। सेकेंड वन यूज है इसका ग्रास्पिंग द टिश्यू एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। थर्ड वन यूज है इसका आर ऑल्सो यूज टू होल्ड स्टेचर, और ऑल्सो यूज टू होल्ड स्टेचर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास में ऑप्शन है एलिस फोर्सेप्स, ऑप्शन बी है बेप्को फोर्सेप्स, ऑप्शन सी है मॉस्केटो फोर्सेप्स एंड ऑप्शन डी है कॉकर फोर्सेप्स। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग है, बेप्को फोर्सेप्स नहीं है और नहीं क्या नहीं है ये मॉस्केटो और नहीं क्या है ये कॉकर फोर्सेप्स। राइट आंसर क्या है यहाँ पर एलिस फोर्सेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो इसका डायग्राम जो इमेज दिखाई दे रही है उसको आइडेंटिफाई करना, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलिस फोर्सेप्स का यूज क्या है, इंडिकेशन क्या क्या है, ये भी इसमें पर्पज में यूज में लेती है। आर यूज टू ग्रास्प द टफ स्ट्रक्चर, इसका यूज है आर यूज टू ग्रास्प द टफ स्ट्रक्चर लाइक ट्रैक्टर सीट, फेसिया, एलिस फोर्सेस आर यूज टू मोस्टली किस यूज में लेते हैं, ग्रास्प द टफ स्ट्रक्चर लाइक द रेक्टस शीट है, पेशिया है, इन ऑपरेशन लाइक मोस्टली LSES, ट्यूबेक्टोमी, स्टेरेक्टोमी। टफ स्ट्रक्चर को ग्रास्प करने के लिए मोस्टली जो फोर्सेप यूज में लेते हैं वो कौन सी है, एलिस फोर्सेप्स। एलिस फोर्सेप में और बेप्को फोर्सेप्स, बेप्को फोर्सेप्स का टिप ऑलवेज ऑलवेज नॉन ट्रॉमेटिक होगा, वाइड होगा, राउंडेड। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो, आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है। आर्टरी फोर्सेप्स तो नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, ओवम होल्डिंग फोर्सेप्स, ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग। राइट आंसर क्या है, टॉवेल क्लिप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉवेल क्लिप, ये जो टॉवेल क्लिप है इसका यूज क्या है, टॉवेल क्लिप आर यूज इन ड्रैपिंग द ऑपरेटिंग एरिया इन एब्डोमिनल और वेजाइना, आर यूज इन ड्रैपिंग द एरिया एब्डोमिनल और वेजाइना एक्सेट्रा। आपको ये याद रखना है सीट और स्किन को फिक्स करने के लिए जो क्लिप यूज में लेते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, टॉवेल क्लिप। सीट और स्किन को फिक्स करने के लिए जो क्लिप यूज में लेते हैं वो क्लिप मोस्टली कौन से होते हैं, टॉवेल क्लिप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉवेल क्लिप की इमेज भी आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में पूछ लेते हैं बहुत बार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बहुत बार पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो, ऑप्शन ए कार्मन कैनुला, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक लेवाज, एस्पिरेटर, डिस्पोजेबल सिरिंज एंड एगार डायलेटर। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बी सी और डी,
ये तो क्या है, रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, कार्मान सिरिंज। ये एग्जाम में पूछते हैं कार्मान सिरिंज आर यूज फॉर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एंड एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन। क्या यूज है इसका, आर यूज फॉर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एंड एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन। एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन इसकी जो कैपेसिटी होती है अराउंड लगभग 50 ml। ये सारे क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको ये सब इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं।